हेलो फ्रेंड्स मैं मेंटोर ए के सिंह और आज हम सी टेट का आठ जनवरी यानी कि आठ जनवरी दो हज़ार बाईस का पेपर देखेंगे इसमें हम पेपर वन का सीडीपी का भाग देखेंगे और सीडीपी के भाग में हम तीस क्वेश्चन देखेंगे इससे पहले कि आपको पेपर मिल चुके हैं चैनल पर आप उसे जाकर देख सकते हैं और एक और न्यूज़ आपको टेलीग्राम का जो चैनल मिल रहा है आप उसे जाकर सब्सक्राइब यानी ज्वाइन कर लीजिए उसमें आपको लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और जितने भी नोटिफिकेशन है वो मिलेंगे और क्विज़ के रूप में आपको डेली क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे जिससे आप अपने ज्ञान का इजाफा कर सकते हैं तो समय बर्तन करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो चलिए आठ तारीख का पेपर देखते हैं आठ तारीख का सी डी पी का सेक्शन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है विकासमत पूछ रहा है तो विकासात्मक परिवर्तन आपको सबको पता है चारूक्रम और परिवर्तवरण प्रभावित परिस्थिति कारण है यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फोर क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? डैश स्थूल गत्यात्मक चालक कौशल का उदाहरण है जबकि डैश में स्थूल गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है तो क्या होगा भागना और चित्र बनाना यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं तीन क्या कह रहा है इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्य अवस्था में होगा तो कौन सा बच्चा मध्य अवस्था में होगा अगर आप देखेंगे तो मध्य बाल अवस्था की बात कर रहा है तो तार्किक रूप से तर्क करने वाली बात जो होती है मध्य बाल अवस्था में होती है यानी कि ऑप्शन हम हो जाएगा एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है यानी बच्ची की बात कर रहा है जो बच्ची तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षित कर, कर पाती है यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा कौन क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कथन और कारण के ऊपर है क्वेश्चन बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखता है और मूल्यांकन मूल्य के या मूल्यांकन सॉरी मूल्य और जीवन के मापदंडों को जानता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल क्योंकि वो परिवार से सब कुछ सीखता है दूसरा का है, परिवार बच्चे के सामाजिककरण की द्वितीय अवस्था नहीं प्राथमिक अवस्था हम पहले से देखते आ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन ए सही और आर गलत है इसका क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच क्या है निर्णय से कौन सा युगम सही मिलान है तो ये क्या कैब मोट सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकृत तो व संरक्षित कर पाते हैं तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं क्वेश्चन नंबर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के, के अनुसार स्वयं पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो साम्यकरण कहलाती है यानी कि एक तरह से साम्यकरण वाली बात आ जाती है जब ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर बस सेवन देखते हैं सेवन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन वाई के बच्चे के बारे में विचार का सही प्रकार से दर्शाता है तो आपने देखा होगा वाह क्या कहते हैं वाह ने समझाया है कि बच्चों की बहुत सी क्षमता उनके कार्य शामिल होने का और सहायता साबित करती है यानी कि ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है एक शिक्षक का की संरचना का इस्तेमाल करती है सॉरी क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है कि वह बच्चे के तो ये एक तरह से इशारा संकेत वाली बात जहां पर आ जाए आपको यही चीज देखनी है तो सीधे आ जाएगा इसका आंसर पहाड़ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं नौ क्या कह रहा है एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिगत होती है और कठोर संरचना नहीं बिल्कुल कठोर वातावरण पाठ्यक्रम नहीं होता उसमें क्योंकि उसमें लचीला पाठ्यक्रम होता है ये तो गलत हो जाएगा बच्चा सब सबसे अच्छा सीखना से, नहीं बिल्कुल नहीं ये भी गलत हो जाएगा दोनों गलत है तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस क्या कह रहा है में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता तो वह गतिविधि कार्य करते समय बच्चे का मूल्यांकन करना तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमृता तर्क देती है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि समाज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते लेकिन आप यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है लॉ में के अनुसार नैतिक तर्क के बारे में तो सामाजिक व्यवस्था वाली बात होती है यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन नंबर बारह देखते हैं बारह क्या गार्डनर के, के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तित्व को व्यक्तियों को अपने पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होना चाहिए तो अंतर्व्यक्तित्व यानी अंतर्व्यक्तित्व अंतर्व्य हुआ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन नंबर तेरह देखते हैं तेरह क्या कह रहा है गिफ्ट के तौर पर गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर पांच साल की बच्ची बोलती है ये मेरे लिए नहीं है लड़कियों लड़कियां कार से नहीं खेलती आपने देखा होगा रोज आपको इस तरह क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का पैटर्न वही है बस गिफ्ट के तौर पर कार कभी कार बना देते हैं तो कभी गुड़िया बना देते हैं तो कभी अलग अलग चीज़ों के बारे में बना देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें इसका होगा जेंडर रूढ़िवादिता क्वेश्चन नंबर चौदह देखते हैं कक्षा में सांस्कृतिक संस्कृति और भाषीय विविधताओं के ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावित होती है तो विविधताओं को अभाव के रूप में ना देखना यानी कि ऑप्शन नंबर क्योंकि विविधता को अभाव एक तरह से ना देखना ये हो जाएगा इसका तो इसका आंसर आंसर तो हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखते हैं पंद्रह क्या कह रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या होना चाहिए एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने की महत्वपूर्ण होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर दो इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सोलह देखते हैं सोलह क्या कह रहा है समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है तो व्यक्तिगत भेदभाव को ध्यान और समान क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखते हैं सेवनटीन हाँ एक क्वेश्चन ये था जिसमें आपको डिफरेंस या कहना क्वेश्चन ये गलत है इसमें गलत ही मानेंगे हम क्योंकि इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बैठ रहा है पर अगर हम इसके हिसाब से अगर किसी ने ये लगाया है और अगर सी नहीं मानता है तो इसका पहला होगा आंसर क्या है ये क्या कह रहा है पाठ वैकल्य नहीं यानी कि डिसग्राफिया नहीं डिसलेक्सिया की बात कर रहा है डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया में क्या होता है लिखने के संबंधित हमारी ग्राफिया में क्या होती है पढ़ने संबंधी और डिस में तो होती है गणित से संबंधित तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है डिसलेक्सिया से संबंधित हो अगर हम पास में लेके चले तो पार्ट ये बी को डी वाला और एक को इक्कीस को बारह ये चल सकता था अगर उस टाइम अगर मानते नहीं हैं तो वैसे हम इस क्वेश्चन को गलत ही मानेंगे क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है पार्ट वे का लेगा मतलब डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित बीमारी है तो लिखने संबंधित बीमारी नहीं है डिसग्राफिया है वो। ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर अठारह जो विद्यार्थी जिन्हें लीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किसी क्षेत्र की चुनौतियों से की जाती है तो अभिभाज्य और ग्रैंड चार के चुनौती यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखते हैं क्वेश्चन नंबर उन्नीस क्या कह रहा है जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उन्हें सफल समावेशी के लिए क्या आवश्यक है सुलभ संरचना और इमारत यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटी ट्वेंटी देखते हैं ट्वेंटी नाइनटीन हमने देख लिया निन्मे से कौन से अभ्यास विविधता अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थी को शामिल करने में सहायक है तो कार्य की प्रगति प्रासंगिकता मूल्यांकन और प्रमाणिकता को कम करना यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्या कह रहा है किसी किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी को स्व पहल करने पर चर्चा में सक्रिय भागीदारी करनी सीते तो यह उसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखते हैं ट्वेंटी टू क्या कह रहा है सार्थक अधिगम तो सार्थक अधिगम में क्या होगा में विशेषण समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है यानी कि ऑप्शन नंबर चार आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखते हैं ट्वेंटी थ्री क्या कह रहा है ट्वेंटी थ्री फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आप उसे एक बार जाकर देखिए और समझिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव आया है <coughs> सॉरी आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक तरह से बहुत अच्छी पॉलिसी है जैसे भेदभाव की बात आ रही थी पहले डिफ्रेंस करने की बात आती थी, थी कि साइंस का स्टूडेंट अच्छा होता है आर्ट्स का स्टूडेंट अच्छा नहीं होता तो या फिर कॉमर्स खाली उनके लिए तो ये सब पॉलिसी स्ट्रीम की पॉलिसी ख़त्म कर दी गई है नो एग्ज़ाम पॉलिसी छोटे बच्चों के लिए लाई गई है यानी कि दो साल तक नो एग्ज़ाम पॉलिसी आप उसे जाकर देखिए आप समझ जाएंगे और जो फोर ईयर ग्रेजुएशन करा है उसका भी एक बेनिफिट है जैसे पहले को बहुत से बच्चे जॉब के चक्कर में एक साल या दो साल करते थे और वो छूट जाते थे उनके तो वो भी काउंट होगा और कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा होगा तो अब हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्न में से किस वाकलता नहीं है तो नहीं है तो इसके ऊपर नहीं के ऊपर लेके चलेंगे संरचनात्मक समझ पर जो तो नहीं है संरचनात्मक सोच इसके ऊपर तो बात योग्यता मूल्यांकन मूल्यांकन पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं बिल्कुल नहीं प्रौद्योगिक कमी कमी की बात नहीं है और बढ़ाई गई है क्योंकि उसमें कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लासेस इसके सबको जोड़ा गया तो यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इसका आंसर आप उसको जाकर वीडियो को देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको और वीडियो मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं ट्वेंटी फोर के निम्न से कौन सा युगम प्रतिक्रिया का और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है तो कौन सा होगा कक्षा में प्राथमिक स्थान प्राप्त कक्षा में प्राथमिक स्थान प्राप्त करने के के लिए किसी विषय अंतर्गत कक्षा लेना परिहार उन्मुख वाला आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में संबंध को जोड़ना यानी पूर्व ज्ञान से उसके संबंध को जोड़ना ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते ट्वेंटी सिक्स क्या निम्न में से कौन से विद्यार्थी द्वारा भ्रांतियों से निपटने के लिए एक संरचनात्मक दृष्टिकोण है तो भ्रांतियों प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखते ट्वेंटी सेवन निम्न से कौन निम्न में से क्या विद्यार्थियों के कि बीच किसी कार्य को संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है तो होगा चर्चा और संवाद क्योंकि चर्चा और संवाद एक ऐसा चीज़ मानी जाती है अगर जितने चर्चा और संवाद होंगे उतना ही नई नई चीज़ें उसमें क्रिएटिव होगी या फिर नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखते हैं ट्वेंटी एट का कह रहे हैं प्रभावी अधिगम हेतु तो एक शिक्षक को विद्यार्थी में डैश को सक्रिय करना चाहिए तो क्या करना चाहिए क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा उसका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी से कौन सा का उदाहरण नहीं है तो बाहर अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है तो क्या होगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने का तो संभव है तो सामाजिक सहायता के इस्तेमाल में विद्यार्थियों की उपलब्धि लेके चले तो सामाजिक सहायता के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होगी यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर ठीक है बच्चों तो आज हमने जो देखा आठ जनवरी का 2022 का पेपर वन का सी का भाग देखा यानी कि पेपर वन का सी का भाग देखा तो इसी तरह हम देखते चल जाएंगे तीस तीस क्वेश्चन और आप इसको एज ए प्रीवियस पेपर के तौर पर यूज़ करें और अपनी तैयारी सी की अभी से करने शुरू करें जिससे आपके आने वाले सी में अच्छे नंबर आएँ और एक और बात आप टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा आप उस टेलीग्राम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और <coughs> सॉरी और आपको डेली क्विज मिलता है आप उसे करिए जिससे आप अपने ज्ञान का इजाफा कर सकें आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू